बड़ी खबर त्योंथर से आपको बता दें, जहां बोरवेल में फंसे बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे के शव को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। बता दें कि 40 घंटे के बाद रेस्क्यू पूरा हो पाया। शुक्रवार देर शाम को मयंक बोरवेल में गिरा था, तो वहीं अब कलेक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि कर दी है। तो रीवा में बोरवेल में फंसे मयंक को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। मेडिकल टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि जैसे ही मयंक को बाहर निकाला गया था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। तो रीवा जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर जन्हे थाना क्षेत्र के मनिका गांव का ये पूरा मामला था, जहां एक 6 साल के मासूम मयंक, जो कि दोपहर में बोरवेल के पास खेल रहा था खेत में, और बोरवेल में गिर गया। बोरवेल की गहराई लगभग 150 फीट बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद अब मयंक के शव को बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार रेस्क्यू चलाया गया, बाहर से टीम भी बुलाई गई, लेकिन कई रेस्क्यू के दौरान परेशानियां भी इस समय आई। जब गड्ढा ज़्यादा गहरा खोदा गया, उसके बाद पानी वहाँ निकला, पानी की वजह से भी रेस्क्यू में परेशानी आई। कड़क मिट्टी निकली, उसके बाद भी रेस्क्यू में परेशानी आई, मैन्युअली खुदाई करनी पड़ी। तो ये काफ़ी समय बीत गया, और अब जब चूंकि इस बच्चे के शव को बाहर निकाला गया है, ये तस्वीर आप देखिए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू चलाया गया और अब मयंक के शव को बाहर निकाल लिया गया है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, क्या कुछ अब कहना है प्रशासन का? जी बिल्कुल, बता दें 46 घंटे से अधिक समय के बाद जिंदगी के जंग मयंक हार गया है। कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया, काफी परेशानियां का भी दिक्कत करना पड़ा, पर रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ बनारस की और एमपी की एसटीईआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करती रही और अब जाके सफलता मिली, पर जिंदगी की जंग मयंक हार गया है। चलिए शुक्रिया राजन। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो प्रयास पूरा किया गया, बाहर से टीम को बुलाया गया, उस टीम के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगातार काम करती रही, लेकिन उम्मीद आखिरी पलों तक यही थी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन लोगों का भी कहना था कि मयंक सुरक्षित निकल जाए। उसके जो दादा हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा, ईश्वर को उन पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह से जो अब स्थितियां बनी, और जब अब चूंकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, जब बाहर मयंक को निकाला गया, तो उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही थी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है, इस घटना की पुष्टि कर दी है। हुआ है, पूरा हो गया है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मयंक को हम लोग बचाने का। देखिए, ये जो प्लॉट है, जो खेत था, वो प्राइवेट भूमि स्वामी का था। उनके खिलाफ जो संबंधित अग्रिम पार्टी हैं, जो परिवारीजन हैं, उनके द्वारा FIR जो दर्ज कराई जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो उन्होंने बोरवेल को खुला छोड़ा, बोरवेल को भरा हुआ था, तो इस प्रकार से भरा हुआ था कि वो ट्रैप के प्रकार से हुआ कि बच्चे का पांव पड़ा, वो बिल्कुल नीचे चला गया, तो इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बाद भी